हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। और आज मेरा जो मिशन था चिड़िया का दाना खिलाने वाला, तो वो काफ़ी तक सक्सेस रहा है। देखो चिड़िया में यहाँ पे दाना कितना बिखेर रखा है, चीटियाँ बहुत आ रही थी, इसमें चीटियाँ भी आ रही थी, पानी भी पिया हुआ है। आज इस पानी को बंदी करूँगा और मौसम आज तो ठीक ही है, तो ये थोड़ा सा दाना गिरा रखा है चिड़ियों ने खा के। और अभी मैं तो गाइस, आज का मौसम आपको पता लग गया है कैसा है, क्लाउडी मौसम है। और मैं आज गया था एक मंदिर में, आपको दिखाऊंगा मैं आगे, एक मंदिर है मलाई मंदिर, तो उसमें जाके मैंने थोड़ा सा वहाँ से प्रसाद भी लाया। वहाँ का व्यू भी आपको दिखाऊंगा मैं मलाई मंदिर का, तो बने रहे ब्लॉग पे, दिखाएंगे आपको आगे मलाई मंदिर, जो साउथ का सबसे अच्छा मंदिर, अच्छा शक्तिशाली मंदिर है दिल्ली साउथ के लिए भी, वहाँ का व्यू दिखाऊंगा मलाई मंदिर का, तो बने रहे ब्लॉग पे। ओके, मिलेंगे फिर आगे। अभी मैं छत पे आ गया हूँ और ये देखो, यहाँ आज मौसम थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा मौसम क्लाउडी है। सुबह थोड़ा सा बूंदा बूंदी बारिश भी हुई थी दिल्ली में। और ये हमारे देखो अभी हल्की सी धूप निकली हुई है, यार के पुरम के क्वार्टर्स। ये चिड़िया देखो कैसे घूम रही है यहाँ पे, ये देखिए दाना भी खा रखा है चिड़िया ने, ये देखिए दाना भी बिखेर रखा है, आए माए मतलब खा रहे हैं दाना। चिड़िया रानी काफ़ी चहचहाती हैं, सुबह सुबह चहकती हैं। और ये देखो, ये मैंने यहाँ पे एलोवेरा भी लगा रखा है, लगाना था इसको, थोड़ा सा आज एक नया और लगाना है इसमें। तो गाइस मैं फाइनली आ रखा हूँ यहाँ पे साउथ दिल्ली में मलाई मंदिर। मलाई मंदिर एक्चुअली कन्फ्यूजन ये होता है, लोग इसको मलाई मंदिर बोलते हैं, जो मलाई नहीं है, जो अपना तमिलनाडु में जो मलाई होता है, मलाई बोलते हैं पहाड़ी, तो ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। साउथ दिल्ली का जो आउटर रिंग रोड है वहाँ पे बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पे स्थापित किया गया है। और मैं आज यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा इस मंदिर का दृश्य। और देखिए ये इसका एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे फूल वगैरह जो है मंदिर में चढ़ाने के लिए मिलता है और प्रसाद वगैरह भी यहाँ से मिलता है। तो ये इसका, यहाँ से मैं जा रहा हूँ इसके मेन गेट की तरफ, जहाँ से इसका एंट्रेंस है, वो पीछे वाला गेट तो बंद रहता है और एंट्रेंस गेट ये है, ये है इसका मेन गेट। देखो इसके मंदिर की जो कलाकारी, चित्रकारी बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत। आप देखोगे तमिलनाडु साउथ में जितने भी मंदिर होते हैं, उसमें जो चित्रकारी होती है बहुत ही लाजवाब की होती है, पूरे मंदिर में चित्रकारी होती है, भगवानों के फोटो मतलब प्रतिमा बनी होती है। तो ये देखो आगे, देखो पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, मतलब एक पहाड़ी टाइप का बना हुआ है और बहुत बेहतरीन मंदिर है। ये गार्ड है यहाँ का, तो ये मुझे आग्रह करा था कि प्रसाद ले लो, तो मैंने आखिर में प्रसाद इनसे ले लिया है, ग्रहण कर लिया है। अब मैं इसके घर में जाके बच्चों के साथ खाऊँगा और सबको दुआ करेंगे कि भगवान सबको सुख शांति रखे, इज्जत रखे, बनाए रखे। गाइस, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का नए बटन दबा के मेरी नोटिफिकेशन का इंतजार करें। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग का करते हैं एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।